सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अब कतर में तुर्की, जी हां, अब कतर में तुर्की की मौजूदगी बरकरार है। जी हां, आपको बता दूं 2017 से तुर्की और कतर के रिश्ते बेहतरीन होते चले आए हैं और अब शॉर्ट में सुन लीजिए, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में करीबी आ चुकी है, दूरियां मिट चुकी हैं और इतनी बड़ी बड़ी डील हो गई है जिससे कि अमेरिका और इसराइल को परेशान होना वाजिब है। मामला कुछ इस तरह से है कि 2 मार्च से दोनों देशों के बीच में मिलिट्री ड्रिल शुरू हो चुकी है। अल अदील 2021 के नाम से दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुर्की कतर की आर्मी को ट्रेन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। इससे कतर बेहद खुश है और आपको बता दूं, कतर और तुर्की के बीच में सैन्य सहयोग के लिए पहले से ही हस्ताक्षर यानी डील हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, सैन्य मदद करेंगे। दोस्तों अब आपको यहाँ पर इसका दूसरा पहलू भी पेश कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सऊदी और कतर एक हैं या एक जैसे हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सऊदी हमेशा कतर को दबा के रखना चाहता था और एक वक्त ऐसा भी था कि जब सऊदी अरब कतर पर हमला करने वाला था। अभी कतर और सऊदी अरब के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, ये समझ लीजिए। जो कतर है, कतर के बहुत बेहतरीन रिश्ते ईरान से हैं और तुर्की से भी हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रशिया से भी हैं। तो एक तरह से ये अंदर अंदर अर्दोगान बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये देश हैं, चाहे इसमें आप पाकिस्तान को ले लीजिए, तुर्की को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए और रशिया को ले लीजिए, और साथ में अगर आप चीन को भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे अंदर अंदर आपस में मिलते जा रहे हैं। और अंदर अंदर बोलना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा क्योंकि खुले आम अब तुर्की और कतर सैन्य अभ्यास शुरू कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि पहले भी ये दोनों मिलिट्री परेड साथ में कर चुके हैं, लेकिन अब 2021 में अल अदील नाम से ये खतरनाक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर चुके हैं जो कि 31 इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी। दोस्तों फारस की खाड़ी में दोनों देशों ने अपनी खतरनाक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। अर्दोगान ने पहले ही कह दिया था कि तुर्की की फोर्सेस का कतर में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि फारस की खाड़ी में शांति बनी रहे। हमारा मकसद यही है कि हम कतर में मौजूद रहकर कतर को बचा के रखें और दुश्मनों की शैतानी चाल को नाकामयाब बनाएं। इसी वजह से तो खुन्नस खाए हुए हैं इसराइल और ख़ासकर अमेरिका, किससे? तुर्की से, क्योंकि तुर्की कई जगहों पर अपनी सेना यानी कई मुल्कों में अपनी सेना भेज चुका है और अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद।